नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टीव स्मिथ के बारे में। शायद ही कोई ऐसा क्रिकेट प्रेमी होगा जो स्टीव स्मिथ को ना जानता हो। दोस्तों, आपको यह जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि दुनिया का नंबर वन बल्लेबाज स्टीव स्मिथ, उन्होंने अपना क्रिकेट करियर एक स्पिनर के तौर पर शुरू किया था। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो में स्टीव स्मिथ के नंबर वन टेस्ट बैट्समैन बनने की कहानी। स्टीव स्मिथ ने अपना टेस्ट डेब्यू 13 जुलाई 2010 में किया था। मैच खेला जा रहा था पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच इंग्लैंड के लॉर्ड्स मैदान में। इस टेस्ट मैच में स्टीव स्मिथ को एक बल्लेबाज के ना तौर पर खिलाकर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने एक बॉलर के रूप में शामिल किया था, क्योंकि उस समय स्टीव स्मिथ अपनी स्पिन बॉलिंग के लिए जाने जाते थे। अपने टेस्ट डेब्यू में वह 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे थे, और उस दिन किसे पता था कि यह बल्लेबाज टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली से भी ज़्यादा शतक लगा पाएगा। अपने टेस्ट डेब्यू में स्टीव स्मिथ ने मात्र दोनों पारियों में 13 रन ही बनाए, और बॉलिंग करते हुए उन्होंने 3 विकेट भी झटके। अपने टेस्ट डेब्यू के बाद स्टीव स्मिथ को ऑस्ट्रेलिया की टीम में परमानेंट जगह नहीं मिली, और वह टीम से लगातार अंदर बाहर होते रहे। शुरुआती कुछ मैचों में उनका प्रदर्शन बेहद ही खराब रहा, और अपने टेस्ट डेब्यू के 3 साल बाद इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने टेस्ट क्रिकेट का अपना पहला शतक लगाया। स्टीव स्मिथ ने 2015 में ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता, और 2015-16 में ICC टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीता। 2011 से 2020 तक इन्होंने ICC मैन टेस्ट प्लेयर ऑफ द डिकेड का अवार्ड भी जीता। अगर टेस्ट क्रिकेट में शतकों की बात करें तो फिलहाल खेल रहे सभी खिलाड़ियों में सबसे ज़्यादा शतक स्टीव स्मिथ के हैं। स्टीव स्मिथ ने टेस्ट करियर में 32 शतक लगाए हैं। स्टीव स्मिथ अपने क्रिकेट करियर में अब तक टोटल 44 शतक लगा चुके हैं। ऐसा लगता है कि स्टीव स्मिथ टेस्ट क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के 49 शतकों का रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं। गाइस, अगर आप भी स्टीव स्मिथ को पसंद करते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।